अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम मियां। और कमला जी कैसी हैं? अरे मियां, काशियों की कंप्लेन कली कलकत्ते गई है। कसम खुदा, क्या खूबसूरती पर आई है, कमाल है। काश हम एक कवि होते, कलम नहीं थकती उनके कमाल को लिखते लिखते। मियां कहती है, करीम साहब आप काले हैं, वरना कली शादी कर लेती। अब कमबख्त काले हैं करीम साहब, अब इसमें हम क्या करें भाई? कहीं कुछ कार्यक्रम किए होंगे, सब तो कर्म का ही फल है मियाँ, है वही बात है कि नहीं मियाँ? सही बात है। आजकल हम भी कागज काले कर रहे हैं ना। कल ही कसम खाई थी कि मौका देखकर कमशीन कमला से कह दूंगा। कमला जी, कितने दिनों से आपने मुझे गौर से नहीं दिखा है, कल का ये काला करीब आज कुछ गोरा भी लग सकता है। क्यों भैया, कुछ गलत कहा गया मैंने? नहीं। वही तो, मगर जनाब सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अरे करें क्या भाई? अरे जैसे कमला जी कमल की कमशीन कमान से लहराती इतलाती आती है, कमबख्त रिवाज पे कोड़े बन जाते हैं। हेलो करीम कहती कहती चढ़ लेती है, और हम कमला जी, अरे कमला जी जाने दो, कहते कहते अपने कर्म ठोक लेते हैं। मियाँ बता क्या कर रहे हो, कोई बात है कि नहीं? सही बात है। खान साहब के यहाँ खाना खा लिए? हाँ मियाँ, खाना खाकर तो मन खुश हो जाता है। खूबसूरत और खुशबूदार खाना खाकर वाकई आदमी का खून बढ़ जाता है। खास तौर से बनाए गए खाने में एक अपना ही खुमार होता है। खराब खाना खाकर एक बार तो हमारा खून खोल उठा था। कमा खाना था, खरगोश फौलाया हुआ, खास तौर से डाली हुई दाल में खसखस और सड़ा हुआ तरबूजा और टीटर जिसकी खाल सड़के खाक हुए थे। तौबा तौबा, ऐसा खाना खाकर अच्छा खासा आदमी भी खोटा बन गया। मैं हमने तो खुदा का नाम लिया और खाने की जगह कसम खाई कि खाक खाएंगे लेकिन खान साहब का खाना नहीं खाएंगे। अरे सलामत रहे खान साहब और उनका खान सामा, हम तो खुश हैं जहां है अपना गरीब खाना। ठीक है भैया, अब चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया है। अदा।